नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में चल रहे गुंडों के अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही के चलते भूमाफिया व लिस्टेड बदमाश बब्बू छब्बू के अवैध अतिक्रमण पर निगम ने चलाई पोकलेन मशीन, आलिशान घर को किया जमींदोज। कार्यवाही के दौरान विरोध देख पुलिस ने हल्का का भी प्रयोग किया। दरअसल इंदौर शहर में पिछले दिनों जिला प्रशासन, नगर निगम सहित पुलिस विभाग द्वारा शहर को गुंडा भयमुक्त अभियान चलाया गया था। उसी कड़ी में तीनों ही विभाग द्वारा एक लिस्ट तैयार की गई थी, जिसमें करीबन दर्जनों भूमाफिया व मिस्टर बदमाशों को शामिल किया गया था, जिन पर शहर में आदतन अपराध करने के अपराध दर्ज थे। उसी लिस्ट के अनुसार शहर में रोजाना सुबह तड़के से ही तीनों विभाग तालमेल बिठाते हुए कार्यवाही करते हुए नजर आते हैं। अभी तकरीबन 35 लिस्टेड बदमाशों व भूमाफियाओं के यहाँ प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है, जिनके आलीशान मकान दुकान प्रशासन ने नगर निगम की पोकलेन मशीन फेरते हुए जमींदोज कर दी है। बुधवार को भूमाफिया बब्बू और छब्बू के नाम से चर्चित दोनों ही बदमाशों के यहाँ पर खजराना स्थित इदरिश कॉलोनी में रिमूवल की गैंग द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें दोनों ही भूमाफियाओं के आलिशान मकान को पोकलेन मशीन ने कुछ ही घंटों में राख में बदल दिया। बता दें, बब्बू छब्बू दोनों ही बदमाशों पर पिछले दिनों प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए जेल की सलाखों के पीछे कर दिया था। दोनों पर ही भूमाफियाओं पर लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा प्लॉट के माध्यम से हड़प कर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। आम जनता को फर्जी कॉलोनी काटकर उनपे प्लॉट देने की बात कहते हुए उनसे लाखों करोड़ों रुपए ऐंठे गए थे। बता दें, इस प्रकार की कार्यवाही के चलते शहर में लिस्टेड बदमाशों में पूरी तरह से भय व्याप्त हो गया है, जिसके चलते शहर में आपराधिक रिकॉर्ड में भी काफी कमी आई है। फिर आने वाले दिनों में नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणों पर जो नोटिस थमाए गए थे, उनके नोटिस पीरियड भी पूरे होने के चलते उन पर भी कार्यवाही की बात कही जा रही है। तो वहीं न्यायालय से प्राप्त स्टे को भी लेकर जिन अवैध निर्माणों पर कार्यवाही की जाना है, उनका भी लिस्ट नगर निगम जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही की बात कह रहा है। कार्रवाई की जा रही है, थोड़ा नीचे हम लोग खजराना थाना क्षेत्र में हैं और इस इलाके में पहले भी चार गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी अभी थोड़े दिन पहले। आज दो लोग चिन्हित हैं, एक बब्बू छब्बू के नाम से, ये दोनों फेमस हैं। बब्बू का मकान तो लगभग टूट चुका है और उसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है, और ये छब्बू का मकान है, इसको तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसको मकान को हम लोगों ने खाली करा लिया है, और खाली करने के बाद पोकलेन लगा दी गई है और वो तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। सर, क्या दोनों घुमाफियाँ हैं और आज से घुमाफियाँ की कार्रवाई? अब वो जो भी पुलिस से लिस्ट मिलती है वो माफियाओं की मिलती है, माफिया हैं, गुंडे हैं, कई तरह के लोगों की लिस्टें मिलती हैं और उसी लिस्ट के आधार पर काम चल रहा है। जैसा वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देशित किया है उसका पालन किया जा रहा है। आज और भी आज अब कोई रिमूवल की कार्रवाई बड़ी नहीं है, दो रिमूवल हम कर चुके हैं, एक इदरीस नगर में और खजराना में एक हो चुका है, दूसरे में कार्रवाई चल रही है और इसके बाद कोई बड़ा रिमूवल नहीं है आज। सर, कुछ मकानों पे भी कार्रवाई की जा रही है जिनको स्टे मिल चुका था पहले, आज उनपे स्टे हट चुका है, तो उसमें भी कार्रवाई? आज तो फिलहाल इतनी ही कार्रवाई, कल क्या होगा ये वरिष्ठ अधिकारियों से जो सूची मिलेगी उस तरह काम किया जाएगा। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।